रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, FBR नए नए तरीके का ढूंढता रहता है टैक्स नेट बढ़ाने के लिए, टैक्स को किसी तरीके से ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि गोल्स जो दिए हुए हैं वो गोल्स बड़े मुश्किल हैं अचीव करना। जो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा कुछ टैक्स का शॉर्टफॉल था, इस साल भी एक्सपेक्टेशन ये है कि जितना ज़्यादा गोल दे दिया गया है उतना शायद ले ना पाए। और अजीब बात यह है कि एक तरफ टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है, दूसरी तरफ टैक्स से कई चीज़ों को इस्तस्ना देने की बात हो रही है। और इसी तरह की एक चीज़ ये है गैर मुल्की कर्जे को जो इन्वेस्ट किया हुआ। सवाल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़। बहुत शुक्रिया राव साहब ज्वाइन करने के लिए। सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब ज्वाइन करने के लिए। सुहेल साहब, एक जगह टैक्स नेट बढ़ाने की बात हो रही है, दूसरी जगह ये बात हो रही है टैक्स कलेक्शन के अंदर शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तीसरी जगह इस्तस्ना की बात। अनिका, पहले इंपॉर्टेंट ये स्टोरी के अंदर के गुज़श्ता 3 सालों के दौरान वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ मुल्कों के गैर मुल्की बैंकों से 2 अरब 14 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है। और ये वो कर्ज है, हमने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर पहले भी इसके ऊपर हमने स्टोरीज़ की, ये वो कर्ज है जो इसके अंदर बेशतर जो मुल्कों के बैंक हैं, जिसके अंदर स्विट्ज़रलैंड के बैंक से कर्ज हासिल किया गया है, चीन के बैंक से कर्ज हासिल किया गया है, दुबई के बैंक से किया गया है। ये वो बैंक हैं जिनके अंदर आपने अगर कर्ज हासिल भी करना हो आप बिडिंग करते हैं, प्रॉपर रूल्स मौजूद हैं, पेपर रूल्स, ताकि उसके अंदर आपने आपको मिनिमम मार्कअप का के ऊपर जो बैंक कर्ज अदा देने पर तैयार हो आप उससे हासिल करें। इस केस के अंदर बेशतर बैंकों से हासिल किए गए कर्ज के लिए बिडिंग ही नहीं करवाई गई। हमने पहले भी स्टोरीज की थी कि कर्ज हासिल कर लिया गया इंतहाई खामोशी के साथ, सीक्रेट रखा गया। मकसद क्या था कि ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे, उनको इंटैक्ट रखा जाए। बैंकों के साथ वजारत खजाना की टीम ने बरह रास्त इनके मार्कअप रेट तय किए। उसके बाद फिर एक आपकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आप डार साहब समरी लेके जाया करते थे वफाकी कबीना के इजलास में और उसकी एक्सपोज फैक्टो अप्रूवल हासिल कर लेते थे। ये एक बड़ा तनाजा रहा, लेकिन वजारत खजाना इसको कभी ऑन करने को तैयार नहीं थी। FPR के नोटिफिकेशन ने जिसकी कॉपी हमें वसूल हुई है उसने इस पूरी डिटेल को वाजे कर दिया है कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान हमने किस किस गैर मुल्की बैंक से कितना कर्ज हासिल किया है। पहले थोड़ी सी वो डिटेल सुन लीजिए। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का बैंक है, 2014 में हमने इनसे 200 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया, कौम को आवाम को नहीं बताया गया। इसी तरह 250 मिलियन डॉलर का कर्ज सितंबर 2015 में इसी बैंक से दोबारा लिया गया। 70 मिलियन डॉलर हमने दुबई इस्लामिक बैंक से हासिल किया। 325 मिलियन डॉलर का जो कर्ज था वो दिसंबर 2015 में हमने हासिल किया। 408 मिलियन डॉलर मार्च 2016 में हमने हासिल किया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से भी हमने किया, नूर बैंक से हमने 70 मिलियन डॉलर का कर्ज हासिल किया। इसी तरह 600 मिलियन डॉलर का कर्ज चाइना डेवलपमेंट बैंक से हमने हासिल किया। 265 मिलियन डॉलर का बैंक कर्ज जो है वो नूर बैंक से हासिल किया। ये वो सारी है जो अमाउंट है जो 2.14 अरब डॉलर बनती है, ये हमने हासिल कर लिया। ज़र मुबादले के ज़खायर को सपोर्ट भी मिल गई, बताया नहीं गया, एक्सपोर्ट फैक्टर अप्रूवल लेके कानूनी उस शर्त को भी पूरा किया गया। उसके बाद अब मामला आया कि इस रकम को जो आपने मुख्तलिफ बैंक्स में रखवाया था वजारत खजाना ने या कहीं यूटिलाइज कर रहे थे, उसके ऊपर जब आपने मुनाफा कमाया तो उसके ऊपर इनकम टैक्स बनता है। अब मजबूरन वजारत खजाना को FBR के पास जाना पड़ा कि जो इस कर्ज के ऊपर हमने मुनाफा कमाया है गैर मुल्की बैंकों से लिया था, इसके ऊपर मुनाफे के ऊपर इनकम टैक्स लागू ना करें। FPR की मजाज नहीं थी, अगरचे कि FPR हमेशा इस बात की मुखालफत करता रहा है गुज़श्ता माली साल के दौरान भी कि टैक्स एग्जेम्पशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। गुज़श्ता माली साल में भी मुख्तलिफ मनसूबों के अंदर 550 अरब ऐसे ज़ायद की टैक्स एग्जेम्पशन दी गई। IMF समेत तमाम आलमी मालियाती इदारे इस बात की मुखालफत करते रहे हैं। FBR ने भी मुतअद्दिद मरतबा मुखालफत की है कि जो टैक्स रेवेन्यू का हमारी जो टारगेट होता है वो अचीव नहीं हो पाता, जो हमारा टैक्स टू GDP का जो रेशियो होता है और उसके साथ जो हमने एग्जेम्पशन की जितनी लिमिट होती है उससे हम बाहर चले जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद बड़ी रकम तकरीबन 21 अरब डॉलर के ऊपर हमने दोबारा वजारत खजाना ने FPR से नोटिफिकेशन जारी करवा के टैक्स छूट हासिल कर ली है। दूसरी जानिब जहां पर इतने बड़े कर्ज आपने बैरूनी बैंकों से हासिल किए वो सामने आए हैं, उसके साथ वाकई फेडरल गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू ये भी क्लेम कर दिया है कि सिर्फ हम गुज़श्ता सालों के अंदर हम सिर्फ गैर मुल्की बैंकों से कर्ज हासिल नहीं करते रहे बल्कि पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है। वो बताया गया कि वो बहुत मामूली इजाफा है जिसके अंदर बताया गया कि गुज़श्ता माली साल के अंदर जो हमारी मजमूई तौर के ऊपर 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है,
जिसके अंदर चाइना शामिल है, तुर्की शामिल है, बरतानिया और नैदरलैंड, ये चार वो मुल्क हैं जहाँ से बराह रास्त हमारी गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है। और इसके अंदर जो इजाफा हुआ है वो सिर्फ जो गुजशत माली साल 2015-16 था उसके मुकाबले में माली साल 2016-17 में सिर्फ $105 मिलियन का इजाफा हुआ है। सही, गर्चे इतना बड़ा इजाफा नहीं है जिस तरीके से आप अपनी पॉलिसीज बता रहे थे और जिस रेशो से आपने अंदरूने मुल्क मुख्तलिफ बैंकों से आपने कर्ज हासिल किए और बैरून मुल्क मुख्तलिफ बैंकों से आप गैर मुल्की बैंकों से कर्ज हासिल किया, उस तनासुब से आपकी अच्छी इतनी कारकर्दगी नहीं रही कि आप गैर मुल्की कंपनियों को अट्रैक्ट करते और अपनी गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा करते जिसकी अशद जरूरत है। ताहम FBR से एग्जेम्पशन भी हासिल कर ली गई है, गैर मुल्की सरमायाकारी की कोई इतनी बेहतर सूरत हाल नहीं है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इन तमाम कर्जों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर की भी सूरत हाल तसली बख्श नहीं है। स्पेशली आइंदा 4 से 5 माह के अंदर हमने बड़ी पेमेंट्स करनी है, देखना होगा कि फिर हम किस गैर मुल्की बैंक के पास जाते हैं बगैर बिडिंग जाते हैं और किस मार्कअप के ऊपर दोबारा नया कर्ज हासिल करते हैं। ठीक है, दोबारा नए कर्ज वाली बात जरा बड़ा डरा देती है राव साहब एक आम शहरी को, यानी पहले कर्जा उसके ऊपर हम लोगों को सूद अदा करना, ऊपर से फिर यहाँ नेशनल जितने यहाँ बैंक्स मौजूद हैं उनसे कर्जा लेना, ये कर्जे पे कर्जा होता रहा तो फिर हम लोग कशकोल कब तोड़ेंगे? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो सीरियस जो बात है वो अगर हम जिक्र करें इसका, जो अभी तक करप्शन के जो केसेस मेनली हुक्मरान हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आए हैं उसमें एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर वो दुरुस्त है तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें ये कर्ज़ों से कहा जान क्यों नहीं छूट रही। तकरीबन 85 से लेके अब तक $62 बिलियन जो है ना वो साइफन ऑफ किए गए हैं पाकिस्तान की इकॉनमी से, करप्शन की सूरत में, मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में, वॉट एवर, एक सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में जो लोग कैलकुलेट जिस तरह से कर रहे हैं, अब आई डोंट नो किस तक दुरुस्त है, लेकिन अगर उससे आधे भी हैं तो आप देखेंगे आपका $70 अरब के करीब डॉलर के करीब पहुंचने वाला है, उसमें से अगर 30 अरब भी साइफन ऑफ किए गए हैं तो ये आपको समझ आती है फिर कि किस तरह से यहाँ तक आप पहुँचे। दूसरी चीज़ हुकूमत के हवाले से 99 में जो सूरत हाल थी आलमोस्ट यही थी कि कर्जे आपके बहुत ज़्यादा हो चुके थे और मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो उसके पास कुछ चारा नहीं था, वो बड़ी टामक टोइयाँ उन्होंने मारी, वो तकरीबन बेड़ा ही घर को चला था अगर 9/11 ना होता। 9/11 होने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट व्यू लिया गवर्नमेंट का, मिलिट्री डिक्टेटरशिप का दुनिया ने, तो उसके बाद आपको पेरिस क्लब से रिलीफ मिला, रीशेड्यूल हुए आपके कर्जे जिसके बाद आपको थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ आपको मिला था, वो थोड़ा आपको जब चल रहा था, अभी आपने 4 सालों में जो हालत कर दिया वो इतनी डेंजरस हो चुकी है जो हम जिक्र करते रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है जो मैं करूं कि कहां तक पहुंच चुकी है आपकी वो डेट टू GDP रेशो जो हम एक जिक्र करते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट भी, उससे भी आप बहुत आगे चले गए। इस पर्टिकुलर केस में जो 2.14 अरब डॉलर का गैर मुल्की बैंकों से कर्जा लिया गया, इसमें मेरा एक तो कंसर्न ये है कि इसमें जो इनकम टैक्स जो प्रॉफिट था, ठीक है, अगर 1% भी है तो तकरीबन पर ईयर कोई $2 करोड़ से ज़्यादा बनता है, तो वो कहाँ किस मद में जाता है, वो आया इसी इन्हीं के पास रहता है, ये गवर्नमेंट के उसमें रहता है या किसी की जेब में चला जाता है। दूसरा मेरा कंसर्न ये है कि जब आप पैसे रखते हैं किसी भी बैंक के पास, ये मैं 95 की एक मिसाल दे दूँ, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, पीपल्स पार्टी के बड़े चहेते थे, उन्होंने एक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के हेड बने, जब 15 अरब का उसका एसेट था, वो 1% के ऊपर एक बैंक ने उनको कहा हमारे पास रख दे हम 1% आपको देंगे, वो सिर्फ अकाउंट चेंज करने पे उनकी जेब में 15 करोड़ रुपए चले गए थे। तो ये जब आप कीप करते हैं किसी भी बैंक के पास वो आपको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देता है, 2.14 बिलियन में से अगर 1 मिलियन 10 मिलियन भी किसी बैंक के पास चला जाए, आम बैंक जो हमारे कमर्शियल बैंक है, तो हेल ऑफ अमाउंट $1 करोड़ जो है ना और 1 अरब रुपये ऑलमोस्ट, तो वो ये एक तो इस पर होने की जरूरत है। दूसरा ये टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं जो चाइना को दी गई या तुर्की इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो हम बात करते हैं, एग्जेम्पशंस तो नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, इवन हैंडेडली होनी चाहिए, अगर सर मैं दे रहा हूँ हर चीज़ के ऊपर टैक्स तो गवर्नमेंट भी दे बाकी लोग भी दे, सारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इसी तरह से होगी अगर सब अपना हिस्सा डालेंगे उसमें से जिस जिसका बनता है। जो इन्वेस्टमेंट की बात है पर्टिकुलरली चाइना की इन्वेस्टमेंट और तुर्की की इन्वेस्टमेंट, नीदरलैंड और बरतानिया की बात नहीं मैं करता, मे बी वो वाकई इन्वेस्टमेंट हो कोई इंडस्ट्री लगी हो, ये दो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मिसरिप्रजेंटेड हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स, वो लोन है जो आप कोई ऑरेंज लाइन की सूरत में आ रहा है आपके पास, कोई आपके पास पावर प्लांट्स की सूरत में आ रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर या मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो आ रहे हैं वो बेसिकली वो है जो आपने सूद के साथ वापस करने हैं, उनको आप अगर इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे तो ये बहुत ज्यादती होगी कौम के साथ भी मुल्क के साथ भी। आप फैक्ट बताएं
और ये जो लोन जितने भी लिए हैं इन्होंने बैंकों से अपना वो डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, उसके भी बता दीजिए किस रेशो पे आपने लिए, क्योंकि आप मजबूरी में जब लेते हैं इनको चाहिए कि पार्लियामेंट के सामने रखें, आवाम तक पता होना कितने किस बैंक से लिए, किस मार्कअप रेट पे लिए, क्या उस पर प्रॉफिट था, आवाम को पता चलना चाहिए। और जब आप मजबूरी में लेते हैं उसका रेट और होता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, चलिए आवाम को पता चलने की बात कर रहे हैं तो अगले टॉपिक की तरफ भी चलते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आवाम को पता चल जाएगा कि आखिर JIT रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। आखिरी राउंड है, वकला के आर्ग्यूमेंट्स जारी हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि नून लीग की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट पेश किया गया उसके अंदर से जो बड़ी अहम क्लॉज या बड़ा अहम पॉइंट था नून लीग का, वो कतरी खत के बारे में, वो खत के बारे में वाला पॉइंट तो गायब हो गया। सहल साहब, ये क्या बात हुई कि JIT रिपोर्ट से पहले कोई और बात, बाद में कोई और बात? नवाशी साहब और उनकी टीम की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में JIT की रिपोर्ट के ऊपर एतराजात जमा करवाए गए हैं, तकरीबन 28 सफात पर मुश्तमिल जो एतराजात थे उसके अंदर किसी जगह के ऊपर जो असल उनका एतराज़ होना चाहिए था, जब JIT तहकीकात कर रही थी सारे मामले की और वो हमेशा जो शख्सियत भी JIT के सामने जब पेश होती थी वापस आने के बाद पहला पॉइंट और उनका मौकफ ये होता था कि JIT कतरी शहजादे के पास नहीं जा रही, उसका बयान रिकॉर्ड नहीं कर रही, उनसे जब तक उन्हें आप शामिल तफ्तीश नहीं करेंगे हम इस रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सकती। और ये उनका मौकफ दुरुस्त था क्योंकि मामला चला था लंदन फ्लैट से और लंदन फ्लैट्स का जो सारा उसकी बेस बनाई गई थी वो कतरी शहजादे के खत को बनाया गया था। और जब JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई और जिसका यकीनन गवर्नमेंट को और उनकी टीम को जमा होने तक नहीं पता चल सका था कि इसकी फाइंडिंग क्या है, जिसकी उस जमा होने के बाद जब उन्होंने सारी मशावरत की, अपना जवाब जब उन्होंने जमा करवाया उसके अंदर और बहुत से अहम इश्यूज़ और करप्शन के मामला सामने आए, तो उस पूरे मामले के अंदर मुस्लिम लीग नून अपने ही मौकिफ से भी हट गई है। अदरवाइज दोबारा उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा करनी चाहिए थी कि JIT ने इस रिपोर्ट को कंपाइल करने के अंदर कतरी शहजादे का जाके बयान रिकॉर्ड नहीं किया, उनके पास कुछ दस्तावेजात मौजूद है वो जमा नहीं करवाई, ऑर्डर करें इनको कि उनके पास दोबारा जाए, ये प्ली दोबारा नहीं ली गई। ख्वाजा हारिफ साहब इतने सीनियर वकील हैं, उनकी जो प्ली है जो कि बड़ी आउटराइटली महसूस हो रहा है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो सिंपल सा कह रहे हैं कि रिपोर्ट मुतसिबाना है, जानिबदार है, हकायक के मुनाफी है, आप इस रिपोर्ट को भी रिजेक्ट कर दें। उसके साथ रिपोर्ट रिजेक्ट करने के बाद वो पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल हुई थी जिसके ऊपर फिर 5 रुकनी बेंच ने एक अबूरी फैसला भी अपना दिया, वो कहते हैं उस दरखास्त को भी खारिज कर दें। ये काम हो नहीं सकता जिस चीज़ के बुनियाद के ऊपर केस चल रहा है। और उसके बाद जो गुज़श्ता रोज़ की समाअत थी बहुत अहम पॉइंट उसके अंदर सामने आए जिसके अंदर जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि मामला बड़ा सिंपल सा है, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पहले भी मौका दिया कि अदालत के सामने आके बताइए कि लंदन फ्लैट्स किस तरीके से खरीदे गए, कहां से पैसा आया, अब यहां पर साबित नहीं कर सके। JIT में इसलिए बनाई गई थी कि वहां पर आप जाएं अपने आप को क्लियर करें, जो कुछ दस्तावेजात आपके पास हैं या कुछ आप अरेंज कर सकते हैं वो अरेंज करके JIT के सामने रखें, आप वहां पर भी अपने आप को क्लियर नहीं कर सके। दोबारा आपको मौका दे रहे हैं कि लाइए कुछ अगर दस्तावेजात हैं तो आके अदालत के सामने रखिए, पेश कीजिए। लेकिन उनका ख्वाजा हाजिर साहब का और गवर्नमेंट के जो एतराजात हैं वो मुख्तलिफ बेबुनियाद किस्म की चीज़ों के ऊपर उनके गिर्द घूम रहे हैं। ISI का नुमाइंदा JIT में शामिल था, वो मुस्तकिल उनका मुलाजिम नहीं है ISI का, वो तो उनके बतौर सोर्स उसको शामिल किया गया है। ठीक है, इस किस्म की बातों को ऐड किया गया है। और जिस तरीके से आज उनको कहा जा रहा है कि आज ख्वाजा हाजिर साहब अपनी दलाइल मुकम्मल करेंगे, देखते हैं जब कतरी शहजादा भी कतरी वजीर खारजा सुने पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें हैं, क्या वो कोई नई चीज आज पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अब तक जो JIT की रिपोर्ट थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जहां पर आगे लेके चले, केस बिल्कुल वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि जो इनको अपना हक दिया गया था अपनी सफाई का उसके अंदर ये नाकाम रहे हैं। और बहुत सी और चीजें कोर्ट कह रही है कि सामने आ गई जिसको आपने दुरुस्त या गलत साबित करने। चलिए अच्छा, या फिर ये कि कोई ऐसी चीज है जो बड़ी एंड टाइम के लिए छुपा के रखी जा रही है कि किसी तरीके से कोई जो अगर कोई इमरजेंसी हो जाए उसके अंदर ला कर दिखानी पड़े, ऐसा होगा या जो सुहेल साहब बात कर रहे हैं वो हो सकता है फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसिस इन हिस्ट्री एज वेल। जो आपने कहा लास्ट मिनट के छुपा के रखी है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक जोक याद आ गया कि एक जिम्मेदार से वो मालिया लेना था, वो दे नहीं रहा था, तो वो तहसीलदार साहब अपने बंदों के साथ रेड किया, उन्होंने जाके उसको पकड़ लिया जिम्मेदार को, उसको कहा कि पैसे दो, उसने आगे से बदतमीजी की, उन्होंने कहा पकड़ के मारो, जब मारना शुरू किया तो उसकी पगड़ी गिर गई और पगड़ी के पल्लू में पैसे बंधे हुए थे और वो एग्जैक्टली उतने पैसे थे जो उन्होंने मालिया देना था। तो उन्होंने खोल के गिने, उन्होंने कहा यार ये पैसे पूरे तुम्हारे पास हैं, तुम क्यों इनकार कर रहे थे।
कहता ये बांधे तो आपके लिए हुए थे लेकिन जरा आपको ख्वार करना था मैंने, इसलिए मैंने ये किया है सारी हरकत। तो ये इस किस्म की कोई हरकत कर रहे हैं जिसमें अपनी पगड़ी उछल रही है, अपनी यानी कपड़े मैले हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, तो उसमें ये इस तरह से ख्वार कर रहे हैं उसको कि आखिरी टाइम पे शायद कुछ मालिया निकल आया इनकी पगड़ी में से। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। अब देखें आर्गुमेंट क्या था, कोर्ट ने पूरा टाइम दिया उनको आज, कल जो कल पर्टिकुलरली जो हियरिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा कि हमने आपको एक साल से कह रहे हैं, जीआईटी को इसलिए बनाया कि हमने कहा कि आपको एक और मौका देते हैं, ये बिल्कुल वाज़े तौर पे जज साहबाने का कि आपको एक और मौका देने के लिए जीआईटी को बनाया, आपने वहाँ पे कुछ नहीं किया, अभी भी हम बैठे हैं, अभी बता दें अगर कुछ आपके पास है तो, अगर कुछ होता तो वो बता देते। आप देखिए उन्होंने अपना सबूत, बेसिक बात ये थी कि मैं अगर ठीक हूँ तो मुझे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कागज़ होने चाहिए, मैं फ़ौरन निकाल कर ये देखें सारी चीज़ें देता। एक तो इनके पास अपना कुछ नहीं है, दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो जीआईटी है उसके कंटेंट की बजाय उनके कंडक्ट पे चले गए हैं। ये आपको तो कंटेंट पे इतराज़ करना चाहिए कि ये जी फलां चीज़ गलत है, ये डॉक्यूमेंट गलत है, ये गलत लेके आए हैं, ये वेरीफाइड नहीं है, ये उनको ही कंटेस्ट कर लें आप, उसको भी आप कंटेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप किस चीज़ की बुनियाद पे ये केस लड़ रहे हैं बुनियादी तौर पे। और एक बड़ी डेंजरस बात जो मैं समझता हूँ कि अगर कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले लेती है, जो इंडिकेट किया कल कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि जी आप कुछ देते हैं या हम यहाँ फैसला करें या रेफर कर दें, दैट मींस के सादक और अमीन के अलावा जो करप्शन के ऊपर एलिगेशन है, उदैबिया वगैरह सारी चीज़ें जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी शायद कोई ले ले। और लास्ट पॉइंट, जिस लेवल पे ये ले आए हैं पाकिस्तानियों के साथ तो जो हो रहा है इनके अपने वोटरों के लिए जो शर्मिंदगी का सामान इन्होंने पैदा कर दिया, पाकिस्तान में 35 साल से हुक्मरान खानदान, उसकी इतनी बड़ी यानी करप्शन की कहानी, और इस तरह से मामला सामने आएंगे और इस तरह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि उनके खासतौर पर उनके वोटरों को। उनके लिए आपने क्या छोड़ा, आप इलेक्शन में जब जाएंगे आपके केसेस ट्रायल हो रहे होंगे, आप कोर्ट घूम रहे होंगे ट्रायल के दौरान और इलेक्शन के दौरान, तो क्या आप उसमें इलेक्शन मुहिम चलाएंगे और क्या आप अभी तक जो बढ़ के मारे जा रहे हैं क्या आप लेके आएंगे वापस इलेक्शन में अपने निश्चितों की सूरत में। ठीक है, चलिए इलेक्शंस की बात तो डेफिनेटली देखी जाएगी कि आगे चल के आवाम का क्या फैसला होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आवाम को बेसिक सहूलियात चाहिए और जब तक उनको बेसिक सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी तब तक आवाम सुकून से या तब तक आवाम उस तरीके से वोट नहीं देंगे उन हुक्मरानों को जो ऑलरेडी मौजूद हैं। और बेसिक सहूलियात में हेल्थ की फैसिलिटी बड़ी ज़रूरी है, और हेल्थ की फैसिलिटी के बारे में अगर बात कर लें तो कराची जैसे शहर के अंदर 4000 लोगों के लिए एक डॉक्टर मौजूद है, मुल्क के अंदर पूरी आबादी के लिए डॉक्टर्स काफ़ी नहीं हैं, यानी ना काफ़ी हैं। और ऐसे में पीएमडीसी ने एक फैसला लिया है जिसके अंदर नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने पर पाबंदी आयद कर दिया। पहले डॉक्टर्स की किल्लत है, जो मौजूद हैं जो डेफिशिएंसी है उसको पुर करने के लिए अताई डॉक्टर्स क्वैक्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, ऐसे में पीएमडीसी ने पाबंदी आयद कर दी है। पहले ही जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी प्रॉपर मैार पर नहीं उतरते, तो ये हेल्थ का हो क्या रहा है सोहेल साहब? अनिका, ये बहुत बड़ा ये एक माफिया इस शोबे में आ चुका है। जो लोग अच्छे काम कर रहे थे तबी सहूलियात बेहतर फराहम करने से मुतलिक, कुछ मेडिकल कॉलेज यकीनन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे के दौरान हमने देखा कि कुछ मुनाफाखोर उन्होंने जिन्होंने पैसा बनाने के लिए शोबे में दाखिल हुए, तो फिर इस मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के बिजनेस के अंदर वो म्यार ना रहा, और उसके बाद जो पीएमडीसी के अपने रूल्स है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज होने का आगाज हुआ। इस वक्त पीएमडीसी ने अभी पाबंदी आयद नहीं की, पाबंदी आयद करने का इख्तियार है वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के पास, रिकमेंड कर सकती है पीएमडीसी, और पीएमडीसी ने यह डिसाइड किया है कि जिस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 144 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑलरेडी कायम हो चुके हैं, उसमें से जो माजी के गुजरे 5 से 7 सालों के अंदर वो जिनकी मंजूरी मिली उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनके पास जो मतलूबा टीचिंग स्टाफ होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। उसके बाद हर मेडिकल कॉलेज के लिए जो एक हॉस्पिटल होना चाहिए उनके पास वो उनके पास नहीं है। बेशुमार मरतबा पीएमडीसी ने मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन अब तक जितने लोगों ने इसकी लाइसेंस हासिल किए हैं और उसके अंदर बेशतर लोग जो इन कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो इतने बासर हैं, उनके पास पॉलिटिकल बैकिंग है, को पीएमडीसी वहां पर मौसर तरीके से कार्रवाई करने में उन्हें प्रॉब्लम का सामना रहा है। लेकिन हमने एक स्टोरी की थी कि 30 जून को वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से पीएमडीसी को एक समरी भिजवाई गई थी जिसमें उनसे कहा गया था कि मजीद 20 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के क्याम की आप मंजूरी दीजिए। ये एक बड़ा मसला था चूंकि पाकिस्तान के अंदर 144 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, बरतानिया के अंदर इससे कम है, अमेरिका के अंदर 164 के करीब हैं,
और अगर यहाँ पर अब मजीद 20 जो दरखास्तें आई थी अगर उनकी उनकी मंजूरी कमल भी शुरू कर दी है पीएमडीसी ने, इंपॉर्टेंट ये है। एक जानब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम उसकी पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन पैरेलल जो 20 दरखास्तें आई थी मिनिस्ट्री की जानब से उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि चल एटलीस्ट उस पाबंदी लगने से पहले इनको निपटाया जाए, उन दरखास्तों की वेरिफिकेशन स्क्रूटनी और जाके उनके टीमों को टास्क दिया गया है कि वो जाकर विजिट करें कि जिस मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की दरखास्त थी वहाँ पर हॉस्पिटल मौजूद है, उनके पास क्या टीचिंग स्टाफ भी मौजूद होगा कि नहीं। तो पाबंदी लगने से पहले ये उन्होंने वाजे कर दिया है कि सायरफ ज़ताड़ा साहब की जानब से जो दरखास्तें आई थी इन 20 को तो हमने लाइसेंस जारी कर देने, इस 20 में से 14 हॉस्पिटल जो हैं वो पंजाब के हैं, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर पाबंदी आयद होनी चाहिए। पाबंदी क्यों आयद करना चाहते हैं, 144 मेडिकल कॉलेज हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेसिक मेडिकल साइंसेज के 144 प्रोफेसर्स नहीं हैं। रिक्वायरमेंट है पीएमडीसी की, पीएमडीसी के अपने रूल्स हैं, उसके मुताबिक अगर आपके पास टीचिंग स्टाफ नहीं है तो इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। 20 आप मजीद करेंगे तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। पीएमडीसी को चाहिए कि आप ज़रूर पाकिस्तान के अंदर अच्छे हॉस्पिटल के क्याम की अच्छी ज़रूरत है, लेकिन अच्छे हॉस्पिटल क्याम उस वक्त होना चाहिए जब वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स पढ़ाने वाले हों और वहाँ से फिर जो डॉक्टर्स बन के निकले वो इस काबिल हों कि अवाम की सेहतों के साथ वो खेले नहीं, अवाम का अवाम की खिदमत कर सकें, अवाम का इलाज कर सकें। तो पीएमडीसी के ऊपर गहरी जिम्मेदारी आयद होती है। अब देखते हैं कि वो क्या इन 20 को पास सबको लाइसेंस जारी करते हैं या पहले वजारत नेशनल हेल्थ रेगुलेशन को समरी मूव करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं उनको मद्दनजर रखते हुए पहले से मौजूद हॉस्पिटल का पहले मियार बेहतर होना चाहिए और फिर नए हॉस्पिटल का क्याम अमल में आना चाहिए। अच्छा, तो ये दो डिफरेंट किस्म की बातें कर रहा है पीएमडीसी। एक तरफ कहता है पाबंदी लगा दें, एक तरफ कहता है वो 20 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको जो है प्रूव कर दे किसी ना किसी तरीके से, यानी पाबंदी लगने तक अपना काम हो जाए। राव साहब, इसमें बेईमानी नहीं नजर आ रही आपको? ज़ाहिर है वो जो उन्होंने सौदा किया होगा वो उसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलें जाते जाते ये तो कर जाए ना, बाद में पाबंदी लग जाए तो देखी जाएगी। ये बहुत देखें, एजुकेशन वैसे ही बड़ा सीरियस इशू है तालीम के हवाले से। हम ओवरऑल जो सिस्टम हमारा है वो बहुत ही कह लें कि बहुत अच्छी आला किस्म का होना चाहिए, उसमें करिकुलम से ले कर तो टीचिंग स्टाफ और टीचिंग फैसिलिटीज़ जो आपकी हैं, लेबॉरटरीज़ होती थी। मैं एक दो दिन पहले जिक्र हो रहा था दोस्तों से, हमारे स्कूल में लेबॉरटरीज़ होती थी बाकायदा, उसमें इक्विपमेंट होते थे हर किस्म के तजर्बात के। अब कॉलेज लेवल पे ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी के लेवल पे पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उनमें किस तरह की सूरत हाल होगी। उसके बाद फिर प्रोफेशनल एजुकेशन, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, और प्रोफेशनल एजुकेशन में डॉक्टर्स जिन्होंने ज़िंदगी और मौत के साथ खेलना होता है आपकी, उनके हाथ में होती हैं ये सारी चीज़ें। अगर वो उनकी बेसिक जो जहाँ पर टीचिंग उन्होंने लेनी है वहाँ पर अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, भले फैकल्टीज़ का भी बहुत सीरियस इशू है, अगर फैकल्टी अच्छी भी नहीं है तो बाकी आपको जो प्रैक्टिकली आपने वहाँ पे लर्न करना है, जो चीज़ें देखनी है, वो अगर आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है अगर साथ, तो ऑब्वियसली वो उस तरह से आप जो ऑन हैंड जो होती है प्रैक्टिस जो आपकी होती है, इंटर्नशिप भी होती है, हाउस जॉब भी होती है, वो उस तरह से हो नहीं पाती है आपकी ड्यूरिंग एजुकेशन भी और उसके बाद भी जो आपने हाउस जॉब करनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं एक और चीज़ इस पर जिक्र करूँ, पीएमडीसी का तो हाल हमने देखा है डॉक्टर आसिम के केस से लेके, तो जो सूरत हाल है अभी भी, अब अगर स्क्रूटनी करना शुरू करें आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने आजम गखर साहब जो सायरफ ज़ताड़ा हल्के से ताल्लुक रखते हैं, स्कूल टीचर हैं, एसओ पीएमडीसी हैं डेपुटेशन के ऊपर, वो सारे मामला चला रहे हैं स्कूल टीचर, तो फिर मुल्क के अंदर कैसे मियार बेहतर होगा? नहीं, मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी, उनको पीएमडीसी से लाइसेंस जारी हुआ होगा। मैं जो इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रोफेशनल गाइडेंस जो होती है ना, डाइवर्सिटी होनी चाहिए एजुकेशन में हमारे, हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर और आईटी स्पेशलिस्ट और पता नहीं इसमें लगे रहते हैं। जो आपके सोशल साइंसेज है, जो आपके टीचिंग बेसिकली है, मैथ इंग्लिश फिजिक्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसकी टीचिंग में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें भी बहुत कमी है आपके यहाँ जिस तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुले, तो उस पर आप पूरी तवज्जो देते हैं, आप बच्चों को अपने बच्चों को दूसरे शोबों की तरफ भी लेके जाएं, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है। आखिर पे क्या हुआ था, एक दफ़ा इस तरह इतने ज़्यादा हो गए, फिर CSS करके वो DMG ग्रुप और इसमें आना शुरू हो गए थे। सही, ठीक है, चलिए, ये एक मसला है, हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं है और दूसरी तरफ हेल्थ सेक्टर के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जिस तरीके की बेईमानियाँ नज़र आती, बेईमानियों के अलावा खुर्द-बुर्द नजर आती है, उसके अलावा फिर वो डॉक्टर्स की क्वालिटी को डेफिनेटली एक उसके ऊपर भी शक व शुबा आता है कि कौन सा डॉक्टर किस क्वालिटी का है, क्या नए कॉलेजेस उस क्वालिटी के डॉक्टर बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे। फिर जितने
सरकारी अस्पताल से निकले हैं वो उसके बाद कितने प्रैक्टिस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उसके ऊपर भी बड़े मसले मसाइल हैं। हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान होगा तो तमाम चीज़ें हल हो सकती हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़रा बात करते हैं। वो वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन इन्हीं के टाइम पर पेट्रोल की किल्लत भी हम लोगों ने देखी, इन्हीं के टाइम पर पेट्रोल स्टेशन के सामने लंबी लंबी कतारें भी देखी गाड़ियों की, पेट्रोल को ब्लैक में बिकता हुआ भी देखा, उसके अलावा बड़े मसले मसाइल देखे। लेकिन आज वो एक अच्छी चीज़ का दावा कर रहे हैं, दावा ये कर रहे हैं कि जी सर्दियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। अब ज़रा ये बहुत फारफेट सा आइडिया लगता है सोहेल साहब, एक जगह पर हम लोगों को प्रॉपर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2030 तक हम गैस की किल्लत से नबर्द आजमा उस तरीके से नहीं हो सकते, दूसरी जगह पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि सर्दियों के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी। निका, उनका ये दावा बहुत हैरान कन है। गुजशत 4 सालों के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमेशा किसी हद तक रियलिस्टिक फिगर्स की बात की है गैस और ऑयल के शोबे से मुतल्लिक। उन्होंने कुछ ऐसे जिस तरह सियासी बयानात होते हैं कि हम जिस तरह बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बातें होती रही हैं, इस किस्म का कभी उन्होंने दावा नहीं किया। लेकिन अब पहली मरतबा जब हुकूमत बड़े मुश्किल वक्त में है और तमाम वजारतों की अब कारकर्दगी की अब बात भी होनी थी, अगरचे कि आजकल प्राइम मिनिस्टर दूसरे मामलों में मसरूफ़ हैं, लेकिन हुकूमत को अब ये वाजे नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब ने भी अब वो हकीकत पसंदाना रविश तर्क करके सियासी तौर के ऊपर आवाम को खुश करने का सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि आइंदा मौसम सरमा में, यानी कि नवंबर 2017 के अंदर, गैस की किल्लत का आवाम को सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ दूसरा उन्होंने ये दावा किया है कि गुजशत 4 सालों के दौरान उनकी एफर्ट से, उनकी काविशों से ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर $10 अरब की सरमायाकारी हुई है। ये दोनों दावे मेरे लिए बड़े हैरान कुंद हैं, चूँकि इनकी अपनी हुकूमत के दीगर इदारे जो इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनके जो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो इनके दावों की तस्दीक नहीं कर रहे। पहला दावा गैस के बुरहान के खात्मे की बात कर लेते हैं। इनको ये ज़रूर बताना चाहिए था कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है, लेकिन आपने सूरत हाल बेहतर करने के लिए भी कोई अभी इकदाम नहीं किया। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौसम गर्मा में रवां साल पहली मरतबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर घरेलू सार्फिन को गैस की लोड शेडिंग का सामना है। सही। उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने गैस की 80 से 95 नई दरियाफ्तें हुई हैं, वो छोटी दरियाफ्तें हुई हैं, वो वजारत पेट्रोलियम के अपने जो दस्तावेज़ हैं, अपने उनके फिगर्स हैं। हमारे यहाँ गुज़श्ता 3 से 4 सालों के दौरान जितनी मकामी तौर पे पैदा होने वाली गैस की पैदावार में इजाफा हुआ है, उतनी ही हमारी जो पुरानी फील्ड्स थी वो डिप्लीट हुई हैं। तो जो गैस की पैदावार में इजाफा हुआ है, डिप्लीट होने की वजह से उसको नेट गैस की प्रोडक्शन के अंदर इजाफा नहीं हुआ, पहला पॉइंट ये। और ये दादो शुमार वजारत पेट्रोलियम और उग्र की रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि मौसम सरमा के अंदर हमारे यहाँ गैस की जो डिमांड है वो 7 अरब क्यूबिक फीट यौमे तक जाती है, ये भी वेरीफाइड फिगर है, डॉक्यूमेंटेड है, रिपोर्ट्स में शामिल है। हमारे यहाँ जो हमारी इंडिजिनस जो लोकल गैस की प्रोडक्शन है वो 4 अरब क्यूबिक फीट है सारी मिलाकर। जब मौसम सरमा का वक्त आता है तो उसके अंदर तकरीबन 2.5 से 3 अरब क्यूबिक फीट यौमिया का शॉर्टफॉल आता है। LNG हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई कि हमारी लोकल प्रोडक्शन के अंदर कोई नेट इजाफा नहीं है। उसके बाद हम बात आती है LNG की इम्पोर्ट जो हम कर रहे हैं, 600 MMCFD इम्पोर्ट कर रहे हैं जो कि इस वक्त हो रही है, हम पावर प्लांट्स में यूज़ कर रहे हैं। पंजाब के अंदर 3 नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, आइंदा साल तक जो एक नया टर्मिनल लगना है उसके जरिए जो 650 MMCFD गैस आएगी वो पंजाब के अंदर लगने वाले इन 3 पावर प्लांट्स को उससे गैस की तरसील की जाएगी, चूँकि तीनों पावर प्लांट्स या तो गैस पर चल सकते हैं या हाई स्पीड डीजल पर। हाई स्पीड डीजल पर चलाएंगे बहुत महंगे पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन नहीं है, तो ये LNG पर चलेंगे। तो आपके पास कोई नेट एडिशनल ना तो LNG की इम्पोर्ट आपके पास है, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही कोई मकामी तौर पर पैदा होने वाली गैस की पैदावार में इजाफा है। तो घरेलू सार्फीन के जो बुझ जाते हैं चूल्हे मौसम सरमा में, वो गर्म रह नहीं सकते। उन्होंने इतना बड़ा ये दावा कर दिया और आज हम उनसे कह रहे हैं कि आप बतौर वजीर पेट्रोलियम आवाम को आपको हकाइक पेश करने चाहिए, गलत आपको दावा नहीं करना चाहिए था, सूरत हाल आप बेहतर नहीं बना सके। दूसरा, आपने $10 अरब की सरमायाकारी की कहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो फिगर्स हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं और जो अभी रिसेंटली भी रिलीज हुए हैं, उसके अंदर वो ये फिगर्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, वो क्या ग्राउंड के ऊपर क्या रियलिटी है, वो रियलिटी ये है
कि गैर मुल्की कंपनियां यहां से जो उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की थी वो उसको सेल करके अपने उन फील्ड्स को वो पाकिस्तान छोड़ के जाने की तैयारी कर रही हैं। ये वो हकायक हैं। लेकिन अब आप आइंदा इलेक्शन की पेश नज़र लगता है ये कि अब तमाम वज़रा इस किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ लोगों के दिल जीते जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली मौसम सरमा में ऐसा नहीं होगा और फिर इस किस्म के बयानात और दावे रिकॉर्ड का हिस्सा रहते हैं वो आपके लिए फिर मसाइल का बाइस बनते हैं। नहीं तो राव साहब कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो छुपी रह सके, जो फाइलें हों उनको बंद करके किसी कबर्ड के अंदर रख दिया जाए। ये लोड शेडिंग है, सबको अगर फेस करनी पड़ी, सबको इसका सामना करना पड़ा तो सामने आ जाएंगे, दावों की कलई खुल जाएगी। और अगर वाकई में ये दावे दुरुस्त हुए वो भी सर्दियों में सामने आ जाएगा। तो ऐसी बात कर देना और उसके बाद फिर खुद ही शर्मिंदगी उठाना सर्दियों में, ये कहाँ की अकलमंदी हुई। ये देखिए भट्टी साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया, गर्मियों में गैस की शॉर्टेज हुई, अभी हुई है जून में, जून के महीने में गर्मी पड़ी जून में पाकिस्तान में, जो प्रॉपर जिसको गर्मी कहते हैं, बाकी तो वो मौसम बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। तो उसमें अगर शॉर्टेज आए तो सर्दियों में आप कैसे ये कर सकते हैं कि जी सर्दियों में शॉर्टेज होगी। सर्दियों में तो वो टेम्परेचर कम होने की वजह से गैस का अपना वॉल्यूम कम हो जाता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसमें कोई ये नहीं है कि आप अगर 7 बिलियन क्यूबिक फीट अगर आप पैदा भी कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। दूसरा, ये खपत आपकी बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है। अभी आपने हमने जिक्र किया, 2-3 दफ़ा हमने उसको डिस्कस किया सिंध में भी और पंजाब में भी, जो आप मजीद गैसिफिकेशन करना गैस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ अपने गाँवों को देना चाह रहे हैं, उसके बाद एक और प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा। उसके बाद जो आपने जिक्र किया ये प्लांट जो लगे हैं उनको गैस जाएगी, आपकी कंजम्पशन तो कहीं आपकी रिक्वायरमेंट जो आपकी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन आपकी उस तरह है नहीं। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा गैप है, इससे साफ आपको पता चलता है कि ये किस लिए किया जा रहा है। सही, ये इनको अब इलेक्शन सामने नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गए, तो अब ये इस किस्म के ड्रामे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अब ये भी आएगा कि बिजली की लोड शेडिंग तकरीबन खत्म होगी, हमने 2018 में करनी थी, हमने 2017 के अगस्त में खत्म कर दी है, ये इस किस्म के नारे भी मारेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, ये चीज़ें सामने आनी है, लोगों ने बिजली रोज़ यूज़ होती है, गैस रोज़ यूज़ होती है, लोगों को आप कितनी देर तक ये झूठे दिलासे देते रहेंगे, लोगों को चक्करबाजी लोगों के साथ करते रहेंगे। अल्टरनेट फ्यूल के ऊपर आप नहीं चलते, अल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्सेज के ऊपर आप कोई काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिसमें लंबी लंबी किकबैक्स हैं, मतलब बचत की बात कर देते हैं, हमने इतने बचत कर ली, जरा एक एक दुनिया में 75 अरब का प्लांट ही 75 अरब का दुनिया में, तो आपने उसमें क्या बचत की होगी 75 अरब का लगा के। या तो ना दुनिया में 100 अरब के लग रहे हैं और आपने 75 अरब का लगा लिया, अगर दुनिया में लगी 75 अरब का रहा है और आपने भी 75 अरब का लगाया तो उसमें क्या चक्करबाजी। कहना चाह रहे होंगे कि दुनिया में अक्सर का चीजें सस्ती होती है, हमारे यहाँ महंगी आती है, हम लोगों ने इस बार सस्ती ही ली है, वो इससे लोगों को उल्लू समझते हैं। अब पहुंचे पड़े जहाँ पे इनको अंदाजा हो गया होगा जितने सियाने कौवे ये बनते थे, खुद गर्दन फंसा के बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, गर्दन फंसाने की बात कर रहे हैं तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सिंध ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो बड़ा अजीब गरीब सा निज़ाम है, उसके अंदर तमाम लोगों की जो सड़क पे आते हैं उनकी गर्दन भी फंसी हुई है किसी ना किसी तरीके से। हम लोग देखते हैं कि कभी कोई गाड़ी की क्वालिटी या फिटनेस का मामला आ जाता है, कभी हम देखते हैं कि कराची के अंदर 12-12 गैस के सिलेंडर्स लगाकर मिनी बसें चल रही हैं, फर्राटे भरती हुई जा रही हैं सड़क के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब सिंध ट्रांसपोर्ट फिटनेस डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये डिपार्टमेंट जो है ये हमसे नहीं संभलता, इसको प्राइवेटाइज कर दें। अच्छी सोच है और इसको एग्जीक्यूशन पे प्रॉब्लम हमें आता है हमेशा, हम कर लेते हैं, फिटनेस डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी उसको पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने आगे रेफर कर दिया है किसी कंपनी को रेफर करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है, इस पर रेजिस्टेंस बहुत होगी क्योंकि ये फैक्ट है पाकिस्तान में अभी भी जो बड़ी बड़ी यहाँ लग्जरी गाड़ियाँ आपको नजर आती है ना उनके हैं 1960 की है 1970 की है, वो फ्रेम के ऊपर ढांचे नए बना के रंग रोगन करके उनको जो है ना उन्होंने वो कोशिश की हुई है करने की। उसमें एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट जो हुआ था बच्चों का फैसलाबाद के स्कूल बस जो गिरी थी उसमें भी यही आया था कि 1964 की पता नहीं गाड़ी थी क्या थी। अच्छा, कराची में ये गाड़ियाँ और डेंजरस हो जाती हैं क्योंकि कराची में तो जंग लोहा पकड़ता है जिस तरह से, अब उसमें 1960-70 की गाड़ी है, मेरा नहीं ख्याल किसी का फ्रेम सलामत होगा, कई दफ़ा वेल्ड हो चुका होगा, टूट चुका होगा, दोबारा बनवाते होंगे फिर होगा, तो ये बहुत बुनियादी चीज़ें। एक तो उसका फ्रेम ओवरऑल स्ट्रक्चर जो उसका है वो उसका करने की ज़रूरत है फिटनेस के हवाले से, दूसरा उसके इंजन की सूरत हाल कि आया इंजन प्रॉपर काम कर रहा है, उसका जो वैक्यूम ब्रेक के लिए बनना है वो बन रहा है नहीं बन रहा, ये सारी चीज़ें फिटनेस जो डिपार्टमेंट है सारे सूबों में है और उनकी ये जिम्मेदारी है। जब तक फिटनेस सर्टिफिकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ना मिले वो सड़क पर आ नहीं सकते। तो यहाँ पर ये हो रहा है कराची में जाली फिटनेस सर्टिफिकेट लोगों ने खुद ही एक कतरी खत नहीं यहाँ से
और भी बहुत चीजें जाली इस किस्म की बन जाती हैं, और ये जिंदगी, लोगों की जिंदगी से खेलने के मुतरादिफ है। एक्सीडेंट जिस तरह से होते हैं और जिस किस्म का इनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर खासतौर पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जब एक्सीडेंट होता है तो वो स्ट्रक्चर खराब होने की वजह से, जंग आलूद होने की वजह से, उसमें से जो लोहे की चीजें सरिये वगैरह निकलते हैं सीटों के और नीचे से छत, जिसने बचना होता है वो भी नहीं बच पाता रहा साहब, वो बिल्कुल आप कह लें कि एक तरह से आप गिलोटीन बन जाता है आपके लिए, वो हर तरफ से सरिये और वो जो भी वहाँ पे लोहे के चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी वो आपको डैमेज करती है, बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं इस वजह से। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उस पर बहुत, ये बहुत अच्छा स्टेप है अगर वो वाकई किसी बाहर के लोगों से कराते हैं और उसमें कोई दो नंबरी ना होने। ठीक है, अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वैसे तो बहुत सारे ममालिक के अंदर बड़ी कमाल की चल रही है, बड़ी सक्सेसफुल जा रही है, लेकिन सहेल साहब असल बात यह है कि वो पब्लिक सेक्टर के अंदर ईमानदारी कितनी है। हमारे यहाँ अगर वाकई में काम करना होता ये सेंट ट्रांसपोर्ट फिटनेस डिपार्टमेंट ने तो ये कर सकते थे, चेकिंग हो सकती थी, ट्रैफिक पुलिस के साथ लाइजॉन करके किसी ना किसी तरीके से तमाम उन गाड़ियों को बंद भी कराया जा सकता था, लेकिन विल की ज़रूरत है ना उसके लिए, पीछे से एक कॉल आती है खोल देते। यकीनन कि हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन जिस मसले की हम बात कर रहे हैं ये इतना पुरकशिश शोभा है, आपको अंदाज़ा नहीं है। कराची बड़ा शहर है, लाखों गाड़ियाँ वहाँ पर रोज़ाना सड़कों पर होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा मुल्क भर के अंदर भी ये ट्रेंड है कि हमारे यहाँ तकरीबन अगर हम एक कुछ सर्वे करवाया जाए, चेक किया जाए, 60-70% ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो आउटडेटेड हैं, जो अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद वो रोड्स पर हैं। सिंध समय तमाम इजलाक के अंदर, तमाम सूबों के इजलाक के अंदर जो उनकी मुतलका अथॉरिटी होती है वहाँ पर ना तो गाड़ी को पेश किया जाता है फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, ना इंस्पेक्टर वहाँ जाके विजिट करता है। एक पूरा एक सेटअप बना हुआ है, टीम बनी हुई है उनकी पास, जो मुतलका डिपार्टमेंट होता है वहां पर जाते हैं, उनकी मंथली फिक्स पैसा उनको जाता है और उसके बाद वो धड़ाधड़ वो जो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अहमदपुर शर्किया के अंदर जो हादसा हुआ था, जो साने हुआ था, उसका जो टैंकर था उसका भी फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था और फिटनेस के म्यार पर पूरा नहीं उतरता था, हालांकि वो एक बड़ी जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है उसके साथ वो काम कर रहे थे। तो ये हालत है मुल्क भर के अंदर, बेशुमार इजलाक के अंदर जो छोटे शहर हैं वहां पर जो गाड़ियां इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चल रही होती है वहां पर वो, जिस तरह राव साहब ने कहा, 1960 और 70 मॉडल की गाड़ियां अभी तक रोड्स के ऊपर हैं और ये गाड़ियां पहाड़ी इलाकों में भी चल रही हैं और उनको दोबारा से पेंट करके, दोबारा से उनको उनकी उनकी बॉडी को कलर करके उसके रोड्स पर लाया जाता है। उसके मुझे खुद कुछ सालों में उन पर सफर करने का मौका मिला, तो जब उसको दोबारा से तैयार किया जाता है तो उसकी उसको बड़ा उसकी तजीन और आयश भी की जाती है तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया वो इस टाइप के करके। लेकिन वो गाड़ियां सड़कों पर चलने के काबिल नहीं होती, ये जरूर बनाएं इस टाइप के, ये निजी शोबे को जरूर दें लेकिन उसके बाद इसके ऊपर भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है। रजिस्ट्रेंट राव साहब ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा होगी क्योंकि मंथली पैसा मुतलका डिपार्टमेंट को मिलता है, ये निजी शोबे को दें, वो चेक करें और उसके इंपॉर्टेंट है कि अचानक क्रैक डाउन ना करें, अदरवाइज फिर स्ट्राइक हो जानी, काम हो नहीं सकना। 5-6 माह का टाइम दें ट्रांसपोर्टर्स को और उसके बाद ये शोबा अगर निजी शोबे के जरिए से काम शुरू करते हैं तो अवाम के लिए ये इंतहाई सूदमंद साबित हो सकता है, हादसात के अंदर बड़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। ठीक है, और ये पाकिस्तान के लिए स्पेशली सिंध के लिए बड़ा जरूरी हो गया क्योंकि कराची के अंदर कई हादसा तो ऐसे जो मीडिया पर रिपोर्ट हो जाते हैं, कई हादसा रिपोर्ट हुए बिना आंखों से गुजर जाते हैं और ऐसे में ये ट्रांसपोर्ट की फिटनेस स्पेशली कराची, हैदराबाद और स्पेशली वहाँ जो हाईवे के ऊपर इतने सारे हादसात होते हैं सिर्फ इसलिए कि फिटनेस नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की इंतहाई अहमियत का हामिल है, लोगों की जानों को जिंदगियों से खेल रहे हैं ये ड्राइवर्स जो है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट ना लेने वाले, इनको देखने की ज़रूरत है। देखने की ज़रूरत तो इस चीज़ को भी है कि रावलपिंडी को इतना इग्नोर क्यों किया गया, अब 4 साल गुजर गए तो NA-55 का यानी रावलपिंडी के इस हलके का ख्याल आया मुस्लिम लीग नून को और कोई और नहीं, वज़ीर आज़म साहब के अपने दामाद कैप्टन सफदर जो हैं वो इधर डेरे डाले हुए हैं किसी ना किसी तरीके से इस हलके को बेहतर बनाने की। रावलपिंडी से शायद शेख रशीद साहब की वजह से दुश्मनी तो नहीं थी अनिका, अगरचे कि फेडरल गवर्नमेंट को या पंजाब गवर्नमेंट को मुल्क भर के तमाम अजला की वहाँ पर मसाइल को हल करने के लिए और लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए बिला इम्तियाज काम करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में रावलपिंडी के हल्के NA-55 के अवाम शेख रशीद साहब को दुआ दें कि 4 साल ना सही लेकिन अब बिलाखिर नून लीग को ये ख्याल आ गया है कि पिंडी के अंदर बहुत से मसाइल हैं, हर शोबे के अंदर मसाइल हैं, सफाई के हवाले से मसाइल हैं, हॉस्पिटल्स के हवाले से हमने मुतअद्दिद मरतबा स्टोरी की है वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब वो शायद उनकी मुश्किलात कुछ अर्से के लिए काफ़ी हद तक कम होने वाली हैं। कैप्टन सफदर साहब ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 3 मरतबा
इन्हें 55 का दौरा किया है। शकील अवान साहब जिन्हें शेख रशीद साहब ने हराया था उनके साथ मिलके वो यूसी लेवल के ऊपर वो बहुत एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने पूरा एक प्लान बनाकर लाए हैं कि वो हल्का इन्हें 55 की तकदीर कैसे बदल सकते हैं। प्लान बहुत अच्छा है, अगर वाकई वो ऐसा कर जाते हैं तो ये बड़े लोगों के लिए बड़ी गनीमत होगी और लोगों के लिए बड़ी नेमत होगी। पहला काम उन्होंने ये किया कि जो मेयर का इलेक्शन बहुत साल से डेढ़ साल होने वाला इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन इख्तियार अभी तक मुंतकिल नहीं हुए, उन्होंने ये वहां पर जाके पब्लिक गैदरिंग में आवाम से ये वादा किया है कि जो चेयरमैन यूसी के इख्तियार उसको इख्तियार मिलेंगे, लोगों के मसाइल यूसी लेवल की सतह पर हल होंगे। उसके साथ उन्होंने ये किया कि जो मुख्तलिफ तरक्याती काम ऑलरेडी हो रहे हैं उनके जायजे के लिए और उनकी मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दिए। उसके बाद NA55 के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उनकी सूरत हाल जाँचने के लिए और खसूसन हॉस्पिटल के अंदर क्या आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियात किस तरीके की मिल रही हैं, क्या वो वहाँ पर उन्हें किसी मसाइल का सामना है, इस मसले को हल करने के लिए भी उन्होंने 10 रुकनी हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर मुश्तमिल एक टीम तश्कील देने का फैसला किया है जो आवाम के मसाइल जानने के बाद उनको हल करने के लिए किरदार अदा करेगी। उसके साथ उन्होंने ये किया कि किसी नागहानी सूरत हाल के अंदर या अब जिस तरह डेंगू का सीजन आगे आ रहा है इस सूरत हाल के अंदर आवाम को डोर स्टेप के ऊपर आपने कोई सहूलत पहुंचानी है उसके लिए भी उन्होंने एक स्क्वाड तश्कील दे दिया है, वो लोगों को डोर टू डोर जाकर उनके मसाइल हल करेगा, उनके सुनेगा। उसके साथ उन्होंने कह दिया कि मैं मुसलसल आवाम के साथ रابطے में रहूंगा, बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ एक जानिब तो उन्होंने ये फैसला किया और लगता ही है कि शायद मरियम नवाज साहिबा आइंदा इलेक्शन के अंदर जब भी वो होंगे शायद वो डिसाइड कर रही हैं कि वो NA55 से भी जरूर कॉन्टेस्ट करें, यकीनन वो एक हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी अगर उन्हें किसी अदालत की जानिब से कोई ऐसा फैसला ना आ गया कि इलेक्शन करने के अगर वो कॉन्टेस्ट करने की काबिल रही तो लग ये रहा है कि वो यकीनन NA55 से भी कॉन्टेस्ट करेंगी। एक जानिब आप ये काम करें, चार साल पहले भी इसका मतलब है आप ये काम कर सकते थे। उसके बाद कैप्टन सफदर को मानसहरा के अंदर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि वहां पे लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, क्या वहां पे भी लोगों के मसाइल वो हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस किस्म की वो वहां पर भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से इलाकों का तरक्याती फंड आप अपने इलाकों पर लेके गए थे वो कहाँ लगा किस तरीके से लगे वो बताएं। उसके साथ एक और काम कर रहे हैं, एक जानिब तो आप लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी जानिब मुस्लिम नून के अंदर आजकल एक बड़ी रिपोर्ट्स को तैयार की जा रही है कौन से ऐसे MNAs हैं जिनकी वफादारी के ऊपर उनको शक है जो इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है मुस्लिम नून, और अगर उन्हें कुछ MPAs या MNAs को तरक्याती फंड मिले थे उन्हें कहा जा रहा है कि उनको रोकने का फैसला किया जा रहा है कि उनकी एफिलेशन ऐसी नहीं है, उनकी एफिलेशन नून लीग के साथ वैसी नहीं रही, आप ये जो पैसा जारी हुआ ये अवाम की तरक्याती कामों पर लगने, अवाम की सहूलियात के लिए लगने, अगर वो आप पैसा रोकते भी हैं तो तरक्याती काम मुतासर होंगे, उनकी लागत में इजाफा होगा, तो वो बिला इम्तियाज खर्च होना चाहिए। और कैप्टन सफदर को या मरीम नवाज साहबा को पंजाब के दीगर अजला के अंदर भी इस तरह की तवज्जो देनी चाहिए ताकि अवाम के मसाइल हल हो सके। अच्छा राव साहब, आजकल मुझे मशीनरी बड़ी एक्टिव नजर आ रही है, उस दिन एक दिन मैं जा रही थी इस्लामाबाद से तो वहां मुझे मेयर इस्लामाबाद भी नजर आया अपने पूरे के पूरे फौज जफर मौज के साथ, यानी लग रहा था कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, जैसे कुछ पता नहीं कुछ बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये आजकल मशीनरी ज्यादा एक्टिव हो रही है, जिस तरह JIT का फैसला करीब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पैनामा केस पर करीब आ रहा है, JIT की रिपोर्ट आखिरी आ गई सामने, ऐसे में मशीनरी तेज होना ये काम पहले भी तो हो सकता था, आपके साथ आवाम वैसे ही लॉयल रहते अगर आप शुरू से ही काम कर रहे होते। एग्जैक्टली ये चार साल सोए हुए थे, ये अब इनको हल्का याद आ गया, सफदर साहब इधर से इलेक्शन लड़े हुए हैं, जीते भी इधर से हुए हैं, वो निसार साहब ने इनके लिए हल्का छोड़ा था उसमें से ये इलेक्शन लड़के जीते थे, 56 था मेरा ख्याल है या क्या यहीं पे था, 53 था या 56 था, उसी से लड़े थे ये इलेक्शन। तो एक तो बुनियादी इख्तलाफ मुझे ये है कि ये जो डेवलपमेंट काम है ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं अगर आपके लोकल बॉडीज़ हैं तो उनके जिम्मे होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो जैसे पुराने डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह वो लुक आफ्टर करते थे, म्यूनसिपैलिटीज़ लुक आफ्टर करती थी, सड़कें नालियाँ बनवाना, सफाई का इंतजाम करना, अगर कोई बीमारी की सूरत है उसका करना, मलेरिया रेडिकेशन प्रोग्राम में एक पूरा सिस्टम था उसका अपना, हर छोटे से छोटे शहर के लेवल पे था, ये सारी चीज़ें जो है ना मच्छर मारने की मुहिम वो किया करते थे। अगर ये इनका थोड़ा सा भी अगर वीएन हो, अगर ये थोड़ा पढ़े लिखे का तो मैं ताना नहीं देता किसी को, क्योंकि अब ग्रेजुएशन की भी शर्त नहीं रही, अगर इनको थोड़ा सा सेंस हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तो ये वो काम करें पॉलिसी मेकिंग के,
गाइडलाइंस दें इदारों को जो विजिलेंस है इदारों की, बुनियादी तौर पे कमेटी सिस्टम जो है पार्लियामेंट इटसेल्फ, फिर उसका कमेटी सिस्टम वो होता है असल में जो एहतसाब भी करता है, जो सारी पॉलिसी भी बना के आपको देता है, लेजिस्लेशन करता है, एक ब्रॉड गाइडलाइन देता है पूरे मुल्क में किस तरह से आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर किस तरह से इदारों ने काम करना है, किस तरह से मुल्क ने चलना है, आपकी डिफेंस पॉलिसी क्या होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, आपकी एनर्जी पॉलिसी क्या होगी, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगी, किस तरह से आपने किस इंडस्ट्री को फ़रोग देना है, एग्रीकल्चर में आपने किस तरह से बूस्ट करना है, ये ब्रॉड गाइडलाइन और पॉलिसी मेकिंग का काम है जो ये नहीं करते, इसलिए ये बेड़ा गर्क होता है हर चीज़ों का, इदारे आपके बिल्कुल बैठे पड़े। तो ये इस हल्के में ये किस लिए ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अब ये शेख रशीद साहब को हरा लेंगे वहाँ से इनका ख्याल है, ठीक है, जो सूरत हाल बनने जा रही है ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन भी लड़ने के अहल होंगे सफदर साहब खुद भी, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जिस किस्म के इन्होंने बयान दिए हैं, बल्कि सुना है अंदर काफ़ी कुछ ये काफ़ी इंकशाफ भी करके आए हैं, जो जिन लोगों पे शक किया जा रहा है ना कि जिन्होंने लुटिया डुबोई है प्राइम मिनिस्टर और हुक्मरान खानदान की, उनमें ये भी एक साहब शामिल है कि शायद इन्होंने भी कुछ ऐसी बातें अंदर कर दी हैं जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और कश्मीर का मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से भारत कंटिन्यूस मजालिम ढा रहा है कश्मीरियों के ऊपर, ऐसे में एक ख़त आया वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब को, शाही इमाम का, लेकिन उसके ऊपर जो कश्मीर की आवाज़ है वो उठाने पर भारतीय इंतहा पसंदों को बहुत बहुत मसला हो रहा है, बहुत जलन हो रही है। एक तरफ आप इंसानों पे मजालिम ढा रहे हैं, एक तरफ आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, आपकी हुकूमत स्टेट टेररिज्म कर रही है कश्मीर के अंदर, दूसरी तरफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, अगर कोई उनकी बात करता है तो आपको उनसे मसला हो जाता। देखिए, जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली कश्मीर के हवाले से तो है ही है, बाकी इंडिया में भी जिस तरह से वो गौ माता और इस इश्यूज को लेके, गोश्त को लेके वो जिस किस्म की वहाँ पे लोगों की लंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, मोस्टली तो मार ही दिए जाते हैं, उसमें ये कंसर्न बड़ा ऑब्वियस है। वहाँ पे जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, मिनोरिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली मुसलमान वहाँ पे जो रहते हैं वो टारगेट हो रहे हैं उसके, इंडिया के अंदर जो सारी वारदातें हो रही हैं, तो ये ऑब्वियस कंसर्न है उनका, ना सिर्फ इंडिया के अंदर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से भी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो उनका खत लिखना इतनी अनहोनी बात नहीं है। जाहिर है जो वहाँ पर जितने लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये मार्जिनलाइज करें, इनके ख़त्म कर दें, इनको जितनी भी कश्मीरी ख़त्म कर दें, जाहिर है वो यही चाह रहे हैं बुनियादी तौर पे कि यहाँ पे कश्मीर के अंदर तो जो हो रहा है वो तो अरसा दराज से हो रहा है, और एक इतनी स्ट्रांग मूवमेंट वहाँ पे चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको ख़तरा महसूस होता है कि ये पूरे बाकी शहरों में स्प्रेड ना कर जाए जिस किस्म की वारदातें वहाँ पे शुरू हो गई हैं, तो इसलिए वो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन उन्होंने करना ही करना था। और उनके एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनका ओवरऑल इंडिया का उन्होंने क्या, मैं तो कहता हूँ उन्होंने सेकुलरिज्म का बेड़ा गर्क करके रख दिया इंडिया का अपना, जो इतने अरसे से वो प्रचार कर रहे थे अपना, और कश्मीर के ऊपर तो ऑब्वियसली भारत को कभी कोई माकूल दलील नहीं दे सका, कभी कोई माकूल बात नहीं कर सका, कभी किसी तरीके से उसके पास कोई पॉइंट नहीं है डिफेंड करने के लिए कश्मीर के ऊपर, जिस किस्म की कश्मीर में वायलेशन हुए, जिस तरह से लोगों को वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह ख्वातीन के साथ ज्यादती वहाँ पे की गई, जिस तरह से वहाँ पे पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से लोगों को जख्मी किया गया, बिनाई चलेगी लोगों की, ये किसी जगह पर वो इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है। इतने से 6-7 लाख फौज आपने रखी हुई है तो क्या वहाँ पे रोटियाँ पकाने के लिए आपने रखी है? जाहिर है आपने यही जुल्म तशद्दुद करने के लिए रखी है और जबरदस्ती उसको काबू करने के लिए रखी है। जिस दिन आप फौज निकालेंगे वहाँ आपको पता चल जाएगा कि लोग किस तरफ खड़े हैं। ठीक है, एक जगह नरेंद्र मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम गुरबत से जंग करेंगे, हम जो है वो तमाम चीजें सीधी करके रख देंगे, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि 60 से ज्यादा आजादी की तहरीकें चल रही है, उसके बाद कश्मीर के ऊपर मजालिम आप ढा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी हम बड़े सेक्युलर। निकल नरेंद्र मोदी का इंतहाई मुनाफकाना ये रवैया है, उनके बयानात और उनके जो अमली इकदाम हैं और ज़मीनी हकायक वो आपस में मुताबकत नहीं रखते। अब जो भारत कश्मीर के अंदर मजालिम की इंतहा कर चुका है, लेकिन उसके साथ गुज़श्ता साल पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़े एक मौसर तरीके के साथ आलमी सतह के ऊपर मसले कश्मीर को उठाने का फैसला किया था। हमारे पार्लिमानी वफूद ने यूरोपियन ममालिक का दौरा किया था और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये वादा किया था कि वो इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे, और मुख्तलिफ दुनिया के यूरोपीय ममालिक के मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनके सरबराह हैं, उन्हें आज़ाद कश्मीर में बुलाकर कॉन्फ्रेंस करवाएंगे और ये मसला कश्मीर उनके सामने रखेंगे, लेकिन वो फिर पीछे हट गए इस मामले से। शायद यही वजह कि शाही इमाम के मस्जिद ने नवाज शरीफ साहब को खत लिखा है कि शायद दोबारा उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो आलमी सतह के ऊपर कश्मीरियों का केस लड़ सकता है और उनके मजालिम रुकवाने में पाकिस्तान ही को किरदार अदा कर सकता है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया, राव साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया। इतना जरूर है कि
जुल्म इतना किया जाए कि वो कोई सह सके। ये जुल्म सहने की हद से भी आगे बढ़ चुका है। और फिर कश्मीर के अंदर जो इंतफादा है वो फिर इंडिजिनस है, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते थे, अब तो भारत के मुंह पे तमाचा है ये कि अंदर से ही ये तमाम की तमाम चीज़ें उठ रही हैं, अंदर से ही कश्मीरी उठ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं, और भारत क्या कर रहा है उधर वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। हमारे आज के शो से इतने, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाखबर सुब के नाम से फेसबुक ट्विटर पर मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।